बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रक एंड ट्रेलर। दोस्तों, रमज़ान मुबारक की वजह से अब काम जो है वर्कशॉप में रात को हो रहा है, दिन को सारा दिन हम लोग सोते हैं और पूरा रात काम करते हैं। ये देखें आप, रात है और रमज़ान मुबारक की वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं अपलोड कर सका, ठीक है, क्योंकि सारा रात काम पे होती है और सुबह सुबह नींद पे फिर आदमी सो जाता है तो टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं लोड कर रहा, जिसकी वजह से मैं माजरा चाहता हूँ। तो ये देखें अब हम, ये गाड़ी है एक एक्ट्रेस, इसका गियर निकाला है, ठीक है, इसका 4 नंबर और 8 नंबर जो है वो नहीं आ रहा था, तो आपके साथ ये गियर की वीडियो शेयर करेंगे और बताएंगे कि एक्ट्रेस का गियर किस तरह रिपेयर किया जाता है। ये देखें जी, ये एक्ट्रेस है, ठीक है, ये एक्ट्रेस है, इसका गियर निकाला है, ये पड़ा है, ठीक है, कल रात को लास्ट टाइम पे निकाला था तकरीबन रात को 3 बजे। ये इसका तशीका है एक साइड का, ठीक है, ये हाइड्रोलिक गियर है, अभी इसको खोलना है। ये देखें, ये फ़िल्टर भी इसका उतारा है गियर उतारने के लिए, ये देख सकते हैं गियर निकाल दिया गया है, क्लच वगैरह सब नया है, पहले इसका इंजन किया था। इसका 4 नंबर और 8 नंबर निकल जा रहा है जंप पे, और ये एक गाड़ी है दूसरी, ये 6x6 है, तैयार हो रही है, इसका अमूद पड़ा है फ्रंट वाला, और इसका इंजन में प्रॉब्लम है, ये पहले एक्सीडेंट थी गाड़ी, दोबारा तैयार की है, इंजन वगैरह नीचे रख के घुमाया तो घूम रहा था, सही है, अभी ऊपर इसको चढ़ाया है, चढ़ा के जब स्टार्ट करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह कारबा वगैरह सब तैयार हो गया है, तो इसको घुमाया तो ये 2-3 राउंड लेके जाम हो गया है, इंजन पकड़ लिया है, नीचे से कटेर वगैरह खोली है, ये कटेर पड़ी है, सब ठीक थी, ओके थी, ठीक है, मगर कुछ अंदर से कुछ नहीं मिला है। अब इंजन को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, रेडिएटर वगैरह खोल के निकालेंगे और इंजन को निकालेंगे, ऊपर से भी खोल के सब चेक कर लिया, नीचे से भी चेक हो गया है, कोई चीज़ नहीं मिली हमें अभी तक, मगर इंजन इसका बहुत टाइट है, घूम नहीं रहा है। और ये देखें, ये भी एक्ट्रेस का इंजन है, 8 सिलेंडर एक्ट्रेस विद गियर, ये आपके साथ इसकी वीडियो पहले बनाई है, वो भी शेयर करेंगे। ये घुमारा था इस पर एक्सीडेंटल, उसका इंजन और मकीना निकाल के ये नीचे रखा है, ये फ्रंट से सारा टूट फूट गया था, अभी दोबारा लग रहा है इसका सारा सामान। ये 8 सिलेंडर है, ये 2005 या 6 मॉडल है, 6 मॉडल है मेरे ख्याल है, और ये इसका इंजन गियर है, इसे दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, कटेर वगैरह और ये मैनिफोल्ड वगैरह ये सब टूट गया था, ये नया लगाया है इसका, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको अपडेट करेंगे। माफ सासा मुसद्दस फुक नहीं गए मैं जेना मुसद्दस है लेश माफ शे जनता तो सिला तानी खेदा सेम सेम सुस्ता अंत माफ शे सेम सेम सुस्ता सेम सेम आधा मकना तीस बात कर रहा था ना इन तक लामाना तलब खलास कुल ये था वेन हाथ माई जीरिस ये देखें जी गियर की हाउसिंग फ्रंट वाली अलग कर दी गई है ठीक है ये फ्रंट हाउसिंग अलग हो गई है इसकी आपको गियर आना कर नज़र आना चालू हो गया है ठीक है और अब इसकी बैक साइड वाला फक्सा फक्से का पार्ट इधर से ये अलग होगा इसे अलग किया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद में मेन गियर का वो हिस्सा सेक्शन है उसकी ग्राइंड निकल जाएगी देखें जी खोला जा रहा है ये कोई खलाई मखलूक नहीं है सर में इसने लाइट पहन रखी है ये रात की वजह से पहन रखी है कुछ चीज़ वगैरह देखने के लिए ठीक है और ये कोई आसमान से आया हुआ नहीं है आर्यन या ये पी के नहीं है ये देखें ये अलग हो चुका है ये इसका फक्सा है ठीक है इसी का ही काम है यानी कि इसमें 4 गियर हैं और बाकी जो 4 हैं वो ये बनाता है यानी 4 से 5 जब लगाना है तो फक्सा डालते हैं तो ये फक्सा है ठीक है ये इसका अलग पोर्शन है बाकी इसमें जो जो है वो गियर हैं या गिरारी हैं जिसे बोलते हैं तुर्क बोलते हैं इधर अरबी में
वो चार गियर के और एक रिवर्स का होता है, ठीक है। रिवर्स का अलग से है और बाकी चार होते हैं, ठीक है। ये देखें, स्नैप पे एक रिवर्स के लिए अलग से और ये दो दो गियर के लिए, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, देखेंगे इसमें क्या है, किस वजह से निकल रहा है। या तो कोई आयार का प्रॉब्लम है, यानी कि गेज का, उसकी वजह से भी निकल सकता है। बाकी बिल्कुल साफ़ सुथरा गियर है, नया मॉडल गाड़ी है, अभी 2013 मॉडल है ये 12 है या 13 है, ठीक है। इस पर खलाता था सीमेंट मिक्सचर। ये देखें जी, खलाई मखलूक ने लाइट चालू कर ली है, गियर को सीधा कर दिया और बीच में चेक कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है, ये जिसके इसमें हाथ रखा हुआ है इसी गियर में आती है। ये जो फिक्स गियर होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी गियर में, जो भी फ़र्क पड़ता है सब इसी में पड़ता है, ठीक है। हमारा जो मकसद होता है वो आपको समझाना होता है, ना कि वीडियो भगा के उसको फॉरवर्ड पे लगा के और आगे भगा दे के भगा के व्यूज लेने का। हमारा मकसद जो है ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लें या सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा चाहें। हमारा मकसद है कि आप लोगों को काम समझाना, काम के बारे में डिटेल बताना। ये जो ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम आती है इसमें आती है, इस गियर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। कोई अलग बात है कि कोई बैरिंग वगैरह टूट जाए और कोई गोली गिरे और कोई दांत वगैरह टूट जाए, बड़ा ठीक है। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, जो भी मसला होता है, तशी जाता है, गेयर नहीं लगता है, गेयर निकल रहा है, कुछ भी होता है, वो इसी में आता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें लाइट जला रही है माथे पर, बंदा देख रहा है, ठीक है। और मैं इस गाड़ी का इंजन खोलने की तैयारी कर रहा हूँ, इसका इंजन खोल रहा हूँ मैं नीचे से। ये देखें जी, बाहर आ रहा है, ये इसका चेंजर है, जिसे चेंजर कहते हैं। ये देखें, इसमें दो चेंजर हैं इधर, और ये रिवर्स की गिरारी पड़ी है, देख सकते हैं। और ये इसका फिक्स गियर है, हाँ। और ये देखें जी, ये मोलम गियर है, बिलाल करलाल एक मुश्किल गियर है, था चलो मुश्किल ज़्यादा आ रहा है, आधा कम मगा सदा गया, क्रॉस कबीर गियर था, आधा मीथेन अरबाइन 240 का गियर है ये। ये देखें, ये इसके चेंजर हैं, ये इसका चेंजर है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा गियर खुल गया है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको समझ आए। अभी आपको बताएंगे इसकी फिटिंग कैसे होती है दूसरी वीडियो में, इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें, आपको वीडियो अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक किया करें, ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाए। और कमेंट्स में जो चीज़ ना समझ आए, कमेंट्स में पूछा करें, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे, ठीक है। ये 240 का गियर है, 4 नंबर और 8 नंबर फेंक रहा था, यानी कि लगाने पर निकल जा रहा था जम पर, ठीक है। ये मर्सिडीज़ का एक्ट्रेस का गियर है, ठीक है, 240 का बड़ा गियर है ये। इस पर हैवी लोड गाड़ी होती है, खलाता जिसको कंक्रीट मिक्सचर बोलते हैं वो इस पर था, इसका हैवी गियर होता है, ठीक है। और इसकी क्लच प्लेट भी डबल होती है इस पर, ये जैसा वो देख रहे हैं वो कंक्रीट मिक्सचर एक सामने खड़ा है, इस पर वैसा मिक्सचर था जो उतार दिया गया है। इसकी क्लच प्लेट भी डबल होती है, देखिए। अब इसको यहाँ पर रखा गया है, अब इसे चेक होगा, ये बाकी सारा सामान भी है, धुलाई होगी, सारा काम होगा। वो देखें, लड़के का बैठा धुलाई कर रहा है, कोई सामान अभी धोया जाएगा। ये देखें जी, काम चल रहा है, सफाई वगैरह हो रही है, सारे सुस्ते वगैरह निकाल के रख दिए हैं, तशीदे वगैरह चेक हो रहे हैं। आयशा यासल अरबान वाला माफ़ी हाँ, ठीक है। कोई गेज का फ़र्क है इसमें, ठीक है, वाशर वगैरह का गेज का फ़र्क है, पूरा गेयर साफ है, कुछ फ़र्क नहीं निकला, कोई चीज़ ख़राब नहीं निकली, सफाई हो रही है, हाउसिंग की गाड़ी की सफाई हो रही है, आप देख सकते हैं। ये रिवर्स गियर है इसका, इसे गौर से देख लें, ये रिवर्स गियर है, ठीक है। ये मेन है और ये ताशिके वाला गुच्छा है, ये चेंजर है, ठीक है। दो चेंजर ये हैं, एक इसके अंदर लगा हुआ है, इधर ये नीचे वाला चेंजर इसके अंदर लगा हुआ है, ये चेंजर है, ये चेंजर रॉड है, और देख सकते हैं ये चिलम है, ठीक है। मेन की सफाई चल रही है और कोई फॉल्ट नहीं निकला, सिर्फ गेज का फ़र्क है, कोई वाशर ऊपर नीचे करनी पड़ेगी,
सही है, सिर्फ गेज का फर्क है हल्का सा, जिसकी वजह से चार नंबर निकल रहा है। चार और आठ एक ही दांते पे आते हैं, तो इसलिए एक ही तुरस एक ही गियर होता है। ये इसका फक्सा है, ठीक है, पीछे वाला बैक। तो पूरी अच्छी वीडियो उसके लिए, पूरी पूरी समझदारी के लिए, पूरे ही तरह समझने के लिए गियर को, ये 240 का गियर है, पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। अभी सफाई चल रही है, उसके बाद में आपको बताएंगे गेज के बारे में भी। और वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई हो।